ये हमारे यहाँ लखनऊ में फरवरी में एक व्यापारी के पाँव में गोली मारकर लूट की घटना कारित की गई थी। इसी तरह मार्च में कृष्णा नगर में आरके ज्वेलर शोरूम में वहाँ पर एक घटना की गई थी, दो लोगों की मृत्यु उसमें हुई थी। और गोमती नगर में 23 मई को जो है एक व्यापारी जब अपना दुकान बंद कर रहा था तो उसको गोली मारी गई थी, लूट का प्रयास वहाँ पर था। तो इन सभी बातों को लेकर के लखनऊ पुलिस काफ़ी एक्टिव थी, लखनऊ क्राइम ब्रांच काफ़ी एक्टिव थी और कई नंबरों को हम लोगों ने खंगाला, कई सीसीटीवी फुटेज इसमें खंगाले गए। अब बहुत से अपराधियों को हम लोगों ने ट्रेस किया, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी और कई गैंग्स हम लोगों ने मतलब उसको शॉर्ट लिस्ट किया कि कौन सा गैंग इनमें से हो सकता है। इन्हीं में से एक गैंग जो टिंकू नेपाली का गैंग है, इसके बारे में स्पेसिफिक सूचना SHO नाका को मिली कि इस गैंग का मूवमेंट हो रहा है। इनके द्वारा CO आलमबाग और CO कृष्णा नगर को सूचित किया गया कि ये जो घटनास्थल है थाना कृष्णा नगर अंतर्गत, यहाँ पर सब लोगों का मूवमेंट हुआ, घेराबंदी यहाँ पर की गई और बहुत ही अल्प समय में की गई, लगभग 3:30 बजे की सुबह की घटना है। और जब ये क्रिमिनल्स को यहाँ पर जब रोकने को कहा गया तो इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई है और जवाबी फायरिंग SHO नाका, SHO कृष्णा नगर, आलमबाग, इन सब के संयुक्त रूप से इन्होंने भी फिर एक जवाबी फायर उसमें किया है, जिसमें 3 बदमाश के गोली लगने की सूचना मिली है और इनको अस्पताल ले जाया गया है। वहीं 2 सिपाही भी इसमें घायल बताए जा रहे हैं, हालांकि उनको चोटें जो हैं वो आंशिक हैं। और यहाँ पर हमारे द्वारा, उच्च अधिकारियों द्वारा भी मौके का मुआयना किया गया है और अब फील्ड यूनिट बुला ली गई है जो यहाँ पर जो सैंपलिंग है और आदि कार्य है उसको कर रही है। सर, क्या लगता है पूछताछ में इन लोग से और भी घटनाएं जितने उनका भी खुलासा होगा? जो टिंकू नेपाली है ये हिस्ट्री सीटर है और कई दर्जनों मुकदमे इसके ऊपर हैं और अभी जो प्रिलिमिनरी इनसे पूछताछ की गई तो वही नाका की घटना, कृष्णा नगर और गोमती नगर की घटना को ये लोग कबूल रहे हैं कि लोग उसमें शामिल थे। आगे और गहन पूछताछ इनसे की जाएगी और हमें लग रहा है कि कई और घटनाओं का खुलासा इन लोगों से संभव। सर, ये सुबह क्या किसी घटना को अंजाम देने जा रहे थे? ये अब वृहद पूछताछ इनसे की जाएगी। हालांकि जो सूचना थी वो यही थी कि ये लोग फिर से जो है अपना गैंग बना करके और लोगों के साथ भी घटना कारित करने के अपना प्लान बना रहे हैं और मूव कर रहे हैं किसी घटनाओं को कारित करने के लिए। इनके मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही थी और 2-3 लीड हमको मिली थी कि 2-3 व्यापारी और हैं जिन पर ये लोग घटना अपना प्लान कर रहे थे। तो इस तरह का ये जो यहाँ पर एक तरह से जो पुलिस एंगेजमेंट था जिसमें ये लोग घायल हुए हैं और अब गिरफ्तार हो रहे हैं, तो इससे जो होने वाली जो घटनाएं थी उस पर भी लगाम लगा है और जाहिर सी बात है वो घटनाएं टली। सर, जो भीड़ करने वाली टीम को कुछ टीम को ADG जोन महोदय द्वारा 75,000 रुपीज़ का इनाम घोषित किया गया है और उनकी काफ़ी सराहना जो है ADG महोदय द्वारा और IG महोदय द्वारा यहाँ मौके पर की गई है। मेरे द्वारा भी समस्त टीम को जो है यहाँ पे शाबाशी दी गई है और इनके उत्साहवर्धन के लिए जो ADG महोदय ने इनाम का घोषणा किया है उससे सभी लोग काफ़ी प्रसन्न हैं और उत्साहित हैं।